लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजस्थान हमें जल्द बरसेंगे रूठे मेघ, फिर से शुरू होने वाला है झमाझम बारिश का दौर। जयपुर प्रदेश में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन मेघ उपस्थिति दर्ज कराकर ही वापस लौट रहे हैं। दिन व रात में पारा सामान्य से कम रहा है, लेकिन उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिन प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बादलों की आवाजाही रहने पर भी मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। वहीं उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हिमालय तराई क्षेत्र की ओर सक्रिय बना हुआ है और अगले 2-3 दिन में प्रदेश के उत्तरी इलाकों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने पर फिर से मानसूनी बादल प्रदेश का रुख करेंगे। ऐसे में सप्ताह के अंत तक पूर्वोत्तर इलाकों से होकर बारिश का दौर प्रदेश में शुरू होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में बादल फटे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के बलाती क्षेत्र में सोमवार को बादल फटने से कई गांवों में पानी भर गया, सड़कें बह गईं। सेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उसके डैम को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में 7 राज्यों में भारी बारिश और 18 राज्यों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी में बीते 24 घंटे में मौसम शुरू रहा है और बादलों की आवाजाही रहने से उमस भी तीखे तेवर दिखा रही है। हालांकि हवा की दिशा दक्षिण पश्चिमी रहने से गर्मी के तेवर नरम बने रहे हैं, लेकिन उमस के कारण शहरवासी दिन में पसीने से तरबतर हो रहे हैं। शहर में आज सुबह 7 बजे 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार शहर में आज मौसम शुष्क रहने व दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।